नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा और बहुत ही जल्दी बनाएंगे। और इसे बिना मावा और बिना घी के बनाएंगे और इसमें हम दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और बहुत ही लच्छेदार बनेगा, जैसे हलवाई बनाते हैं ठीक उस तरह से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी हलवा को बनाने में। अब मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर ले ली हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धुल लिया था और छील भी लिया है, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा भी हटा दिया है। तो इस तरह से हमने गाजर को ले लिया है। ये छोटी वाली कद्दूकस करने की है, पर इससे हमें कद्दूकस नहीं करना है। हम इसे थोड़े से बड़े साइज वाले से कद्दूकस करेंगे ताकि इसके अच्छे से लच्छे बने। इस तरह से हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। गाजर को पीस के भी हलवा को बनाया जा सकता है, पर इस तरह से कद्दूकस करके टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है ये हलवा, इसलिए हमने इसे कद्दूकस किया है। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी हमारी गाजर कद्दूकस हो जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में ही हमारी गाजर अच्छे से कद्दूकस होकर तैयार हो जाएगी। और देखिए कितनी लच्छेदार गाजर हमने कद्दूकस कर ली है। तो सारी गाजर कद्दूकस हो गई है, तो इसे साइड रख लेते हैं और अब हम इससे हलवा को बनाना शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पे कुकर ले लिया है, जो भी कुकर आपके पास हो उसे ले सकते हैं आप। और आंच को धीमा रखा है और इसमें हम डाल देंगे मलाई। तो ये हमारी घर की ताजी मलाई है जो दूध से निकाली गई है, 3-4 दिन के दूध से हमने इसे निकाला है और इसे हमने डाल दिया है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे इस तरह से पका लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट ही हम इसे इस तरह से पकाएंगे धीमी आंच में, ताकि इसकी जो महक है वो चली जाए। और देखिए इस तरह से इसमें बबल्स पड़ने लगे हैं। मलाई को अब हम इतना ही पकाएंगे और जो गाजर हमने कद्दूकस करके रखी है अब हम उसे डालेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारी मलाई पक गई है, आप देख रहे होंगे बढ़िया दानेदार मावा जैसी दिख रही है। इसी तरह से मलाई को हमें 2 से 3 मिनट ही पकाना है। आंच को हम इस समय धीमा ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। गाजर को हम सारी डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखा है, तो सारी गाजर हमें डाल देना है एक साथ। और इस हलवा को हम लोग बिना चीनी के बनाएंगे और बिना गुड़ के भी बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से हमने सारी गाजर डाल दी है, अब हम इसे चला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए मलाई में। इसी तरह से हम गाजर को चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेगा हमें इसे मिक्स करने में और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी। और देखिए गाजर हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है और हमने इसमें मावा भी नहीं डाला है, दूध भी नहीं डाला है और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब हमने यहाँ पे शहद ली है और 1/3 कप हमने यहाँ पे शहद ली है और इसे डाल दिया है। आप इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर शहद से भी बहुत ही बढ़िया हलवा बनकर तैयार होता है। आप शहद की जगह मिश्री का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद होती है। अगर शहद नहीं डालना चाहते हैं तो मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे शहद को और कुकर का ढक्कन हम बंद करेंगे। तो ढक्कन लगाने के बाद हम इसकी 1 सीटी लेंगे, आंच को हम मीडियम ही रखेंगे और इस तरह से हम कुकर को बंद कर देंगे। और टेस्ट में देखना बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। और मीडियम आंच में हम 1 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। और
सीटी आ गई है, आप देख रहे होंगे कि कुकर में हमारी सीटी आ गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो इसकी गैस आप निकाल सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसकी गैस निकल जाए। अगर बहुत जल्दी है तो आप इस तरह से इसकी गैस को भी निकाल सकते हैं। और फिर हम इसका ढक्कन खोल देंगे। वाओ, बहुत अच्छा बना ना, देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है, अच्छे से पका हुआ भी दिख रहा है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को दोबारा ऑन कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा पानी रह गया है। तो गैस को हमें मीडियम आंच में इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना होगा, या फिर हम जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका अच्छे से घी ना छोड़ दे। ये हलवा जब पक जाता है तभी बहुत ही बढ़िया खाने में लगता है, इसलिए हमें भूनते समय इसे अच्छे से भूनना है। 4 से 5 मिनट लगेगा और गाजर का हलवा बहुत ही बढ़िया भूनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर। तो मैंने बहुत ही दरदरी इलायची का पाउडर बना लिया था, और 5 से 6 इलायची थी ये, और जिनका मैंने छिलका भी डाल दिया है। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है हलवा में, और देखिए हलवा कितना बढ़िया लग रहा है, आपको एक एक लच्छेदार ये दिख रहा होगा। और इसी तरह से अब हमने इसे